everyone, welcome back. In this video, we will start with a new topic called analogies. Ab analogies hote kya hain? So in the question, you are given some objects aur wo ek dusre se kisi tarah se bhi related ho sakte hain, kisi bhi tarah se. And you have to identify ki how are they exactly related, and then you have to replicate the same relation with the third word. और उसमें वो रिलेशन लगा के क्या आपको फोर्थ वर्ड मिलता है, यू हैव टू फाइंड दैट आउट. ओके, सो ये तरह के क्वेश्चंस जनरली आपके नंबर्स में, लेटर्स में या वर्ड्स में देखे जाते हैं. अब नंबर्स में किस तरह से होते हैं, सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं कह रही हूँ कि 2 इज रिलेटेड टू 22, उसी तरह 4 किससे रिलेटेड होगा. नाउ वी नो कि 2 इंटू 11 इज 22, तो 4 इंटू 11 आंसर वुड बी 44. Okay, so that is how you have to first identify and then you have to copy it. Okay, उसी तरह ये तो हो गया numbers का, अब आपको letters में भी हो सकता है. So for instance, अगर मैं कहूँ B is related to Y in a certain way, तो आपको बताना है कि C किससे related है. ठीक है, तो अब हमें पता चल रहा है कि B is the second letter in the alphabet series, शुरू से second letter है. And Y क्या है, लास्ट से सेकेंड लेटर इन द अल्फाबेट सीरीज. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि जो उसका पोजीशन है फ्रॉम द स्टार्टिंग, वही इसका पोजीशन है फ्रॉम द लास्ट. तो यहाँ पे हम वही कॉपी करेंगे. सी का पोजीशन इज थर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, सो थर्ड फ्रॉम द लास्ट इज एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स. ठीक है, सो इस तरह से ये आपका लेटर्स भी हो गया. एंड देन यू कैन ऑल्सो गेट वर्ड्स. सो वर्ड्स में किस तरह हो सकता है, सो फॉर इंस्टेंस ड्राई is related to wet in a certain way. तो आपको बताना है कि hot किससे related है. So now we know that we are talking about complete opposites. So hot का opposite would be cold. ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ examples of the three types of analogy questions जो generally आपके papers में, exams में आते हैं. ठीक है, यहाँ पे there are some 8 questions which we are going to solve today and I will tell you how exactly you solve them. But before that, जो सबसे ट्रिकी होते हैं वो होते हैं नंबर्स वाले, बिकॉज वर्ड्स एनी वे यू विल नो कि आइदर दे विल बी ऑपोजिट्स और सिनोनिम्स और समथिंग. और नंबर्स और लेटर्स में भी इनफैक्ट ऐसा होता है कि आपको पता है कि ए टू जी यू विल नो कि कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन है, बट लेटर्स में, नंबर्स में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है क्योंकि नंबर्स में वो किसी भी तरह से रिलेटेड हो सकते हैं. सो बेसिक एक तरीका है जो आप फॉलो कर सकते हो टू आइडेंटिफाई कि वो कैसे रिलेटेड है. सबसे पहले आप देखो कि कहीं ना कहीं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ उसमें से हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो एनालॉजीज में क्या होता है ना कि एक ही पेयर दिया होगा, अब वो किसी भी तरह रिलेटेड हो सकता है. सो फॉर इंस्टेंस जैसे पहला वाला लूम है तो 16 बन गया 64. ठीक है, 16 और 64 रिलेटेड है, तो अब मैं सीधा बोल दूँ कि 16 में कुछ ऐड हुआ है 64 बनाने के लिए, बट नॉट नेसेसरली कि यहाँ पे ऐड वाला ही लग रहा हो. और 121 में मैं उतना ही ऐड करूँगी तो हो सकता है वो चीज़ मुझे ऑप्शंस में गिवन भी ना हो. ठीक है, तो वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है, और इसीलिए ऑप्शन ज़रूर दिए होते हैं ताकि आप सही देख पाओ कि एग्जैक्टली कौन सा ऑपरेशन वहाँ पे लग रहा है. ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन यू कैन हैव मल्टीप्लाई और डिवाइड, कुछ भी हो सकता है. एंड देन यू कैन हैव स्क्वेयर्स और क्यूब्स, इवन स्क्वेयर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, या फिर अ मिक्स ऑफ दीज ऑपरेशंस. तो मतलब किसी का स्क्वायर रूट निकाल के उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, इवन दैट कैन बी द केस. तो इसलिए वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, इसीलिए यू शुड हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द एग्जाम. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स क्विकली लुक एट इट. सो 1664 हो गया. ठीक है, अब 121 क्या बनेगा. तो 16 में फर्स्टली वही चीज़ जो मैंने आपको बोली, हम ऐड करके देख लेते हैं कि 16 में हम कितना ऐड करें कि इट बिकम्स 64. तो हम कितना ऐड करेंगे इसमें, 48. तो 16 प्लस 48 बिकम 64. तो मैं 121 में भी 48 ऐड कर देती हूँ तो इट वुड बिकम 169. लेकिन 169 ऑप्शंस में ही नहीं है, सो एडिशन इज़ नॉट द केस हियर. ठीक है, 16 में कुछ मल्टीप्लाई करने पे 64 आता है, इंटू 4 करने पे 121 इंटू 4 यहाँ ऑप्शन में नहीं है. ठीक है, तो इवन दैट इज़ नॉट द केस. ठीक है, अब देखो 16, एक और चीज़ है कि 121 को देख के हमें सबसे पहले दिमाग में ना 11 स्ट्राइक करता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 है और 16 भी किसी का स्क्वायर है 4 का, और 64 4 का क्यूब है, तो 4 का स्क्वायर इज़ रिलेटेड टू 4 का क्यूब. तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर वुड बी रिलेटेड टू 11 का क्यूब, दैट इज़
3-1. So our answer is option C. Okay. Question 2. ACHJCEJL से related है. अब वो किस तरह related है? You have to identify. A बन गया C. A में हम 2 add करते हैं तो वो C बन जाता है. A, B, C. So इसमें हमने add किया 2. Now C में हम कितना add करें? That it becomes E. Again 2. H में हम कितना add करें? That it becomes J. Again 2. और J में हम कितना add करें? It becomes L. तो हर चीज में, हर एक लेटर में 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी हम वही करेंगे. सो M प्लस 2 बिकम्स O, M N O, यहाँ O आ जाएगा. देन Y, Y में 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? A, ठीक है, क्योंकि लेटर सीरीज ख़त्म हो गई तो आप शुरू से शुरू करते हो, तो A के बाद O के बाद A. तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है जिसमें O के बाद A आ रहा है? B. पहले ही हमें आंसर मिल गया, हमें पूरा कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा. बट अगेन वी विल जस्ट यू नो वेरीफाई. D में 2 प्लस करेंगे तो F, एंड B में 2 प्लस करेंगे तो D. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया. नाउ थर्ड क्वेश्चन. 20 इज रिलेटेड टू 41, 17 किससे रिलेटेड होगा? अब 20 से 41 कितना ऐड करने पे आता है? 21. लेट्स ऐड 21 टू 17, दैट वुड बिकम 38. बट 38 इज नॉट हियर इन द ऑप्शंस. कोई और तरीका 20 को 41 बनाने के लिए प्लस के अलावा मल्टीप्लाई वगैरह तो कोई तरीका है नहीं. 20 का स्क्वायर से भी बहुत नीचे है वो. तो व्हाट वी कैन डू इज 20 इंटू 2 करते हैं, क्योंकि दैट इज़ द क्लोजेस्ट टू 41. 20 इंटू 2 बिकम्स 40, और 41 40 में 1 ऐड करके आता है. तो वैसे ही हम देखेंगे 17 इंटू 2 कितना होता है? 34. 34 प्लस 1 बिकम्स 35, विच इज देयर इन द ऑप्शन. सो आर आंसर वुड बी सी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4th. एफ एल आर बिकम्स आई एन एस, पी यू बी क्या बन जाएगा? तो एफ का बन गया आई, अगेन जैसे हमने यहाँ किया था. एफ का कई बार ये जो लेटर्स है ये हो सकता है कि सारे के सारे यहाँ लिखे हैं बट इन अ जम्बल्ड फॉर्म, तो वो आपको तब आइडेंटिफाई करना है. बट यहाँ पे सारे न्यू लेटर्स हैं तो हम देखेंगे कि वो कैसे क्या बन गए. एफ बन गया आई. एफ में हमने कितना ऐड किया? जी एच आई, 3 ऐड किया, देन वी गेट आई 3. L में हम कितना ऐड करेंगे तो N आएगा, L के बाद M एंड देन N, तो इसमें हमने 2 प्लस किया. एंड R में कितना प्लस करेंगे तो ऐसा आता है 1. ओके, सो 3, 2, 1 ऐड करना है. वैसे हम PUB में भी 3, 2, 1 ऐड करेंगे. सो P में इफ वी ऐड 3 Q R S वी विल गेट S. U में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो वी विल गेट W. एंड B में इफ वी ऐड 1 वी विल गेट C. तो S W C इज आर आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. नाउ अब हमारे पास वर्ड्स हैं. अर्थ इज रिलेटेड टू प्लैनेट. अर्थ प्लैनेट से कैसे रिलेटेड है? अर्थ इज अ प्लैनेट. अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स. बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जिनमें से एक अर्थ है, राइट? तो एप्पल किस तरह से, किससे रिलेटेड होगा? मैंगो से नहीं, बिकॉज इट वुड बी अ फेलो फ्रूट. फ्रूट है, एप्पल इज अ फ्रूट. एंड देन लास्टली वी हैव वेजिटेबल्स. एप्पल इज नॉट अ वेजिटेबल. सो आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. डॉग इज रिलेटेड टू पपी. पिक किससे रिलेटेड होगा? डॉग का यंगर वन इज कॉल्ड अ पपी. पिक का यंगर वन इज कॉल्ड, अब ये तो आता है या नहीं आता, ठीक है, पिगलेट, पग और कब? आंसर इज पिगलेट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. 625 इज रिलेटेड टू 5. 1296 किससे रिलेटेड होगा? ठीक है, ये वाला बहुत ही ईजी है. वी नो कि 5 का कितना स्क्वायर करने पे, कितनी पार करने पे 5 की 625 आता है. 5 इंटू 5 इज 25. 25 इंटू 5 इज 125. 125 इंटू 5 इज 625. तो हमारा 5 की पार 4 करने पे 625 आता है. 1296 किस नंबर का 4 पार होता है? 1296, बिकॉज इट एंड्स विद 6, वी विल चेक विद 6. तो 6 इंटू 6 इज 36, इंटू 6 इज 216, एंड इंटू 6 अगर आप करेंगे तो यू विल गेट 1296. सो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी, 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. 736 इज रिलेटेड टू 637. अभी ये किस तरह से रिलेटेड है?
हमें यह दिख रहा है कि वही सेम नंबर यहाँ लिखा है, बस उल्टा करके रीअरेंज कर दिया है। ठीक है, तो वैसे 948 का क्या होगा, यहाँ पे किस तरह से रीअरेंज किया? इफ दिस इज पोजिशन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, यहाँ क्या लिखा है, 3 2 1, एकदम उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो सिमिलरली 948 का क्या बन जाएगा, 849, विच इज ऑप्शन बी। ओके, सो दैट इज हाउ यू सॉल्व एनालॉजीज। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व देम। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग ऑन सम न्यू टॉपिक एंड वी विल डू इट टुगेदर। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।